इंग्लैंड दौरे पर जाने से पहले एंडरसन एंड कंपनी को सबक सिखाने से पहले, इंग्लैंड में रनों की अगस्त क्रांति की अलग जगाने से पहले, टीम इंडिया इंग्लैंड में ऐतिहासिक जीत दिलाने से पहले विराट ने फिर करवाया यो-यो टेस्ट। इस बार खिलाड़ी ने टीम के बल्लों का हुआ फिटनेस टेस्ट, विराट के बल्ले का यो-यो टेस्ट। जी हाँ, लगता है विराट कोहली पर आजकल यो-यो का जादू चल गया है, क्योंकि देखिए पहले खिलाड़ियों का यो-यो टेस्ट करवाया और अब उनके बल्ले का यो-यो टेस्ट करवाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट प्रवीण कुमारिया मौजूद हैं। और प्रवीण, आज आपको लाइव यो-यो टेस्ट का डेमो करके दिखाने वाले, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिस रिपोर्ट के जरिए आपको ये पता चलेगा कि विराट कोहली ने किन किन खिलाड़ियों के बल्ले का यो-यो टेस्ट कराया। इंग्लैंड में बल्ले पर जो वजन होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ गेंद उछलती है। एशियाई पिचों पर बल्ले का ये वजन नीचे होता है। इंग्लैंड में बल्ले का हैंडल छोटा होना चाहिए, जिसमें बॉटम हैंड यानी निचले हाथ की ताकत ज्यादा रहे। अब टीम इंडिया ने जो बल्ले का यो-यो टेस्ट करवाया है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, अब ये भी जान लीजिए। विराट 1156 ग्राम के बल्ले से खेलते हैं। इंग्लैंड जाने के लिए उन्होंने बल्ले को 20 ग्राम हल्का किया है, मतलब विराट इंग्लैंड 1136 ग्राम के बल्ले से खेलेंगे। शिखर धवन 1163 ग्राम के बल्ले से खेलते हैं, लेकिन इंग्लैंड जाने के लिए उन्होंने भी अपना बल्ला 20 ग्राम हल्का कर लिया है, मतलब इंग्लैंड में शिखर 1143 ग्राम के बल्ले से खेलेंगे। दिनेश कार्तिक और केएल राहुल ने भी अपने बल्ले का वजन 20 ग्राम कम किया है। बल्ले का वजन 20 ग्राम हल्का होने से स्विंग गेंदों पर शॉट एडजस्टमेंट में आसानी होती है। तेज पिचों पर भारी बल्ला मतलब बल्लेबाजों के आउट होने का खतरा ज्यादा। हल्के बल्ले से कट और पुल आसानी से होता है, जिसमें टाइमिंग सटीक रहती है। इंग्लैंड में कट और पुल पर ही रन बनते हैं। ड्राइव में रन इसलिए नहीं बनते क्योंकि स्विंग पर ड्राइव लगाने में स्लिप में आउट होने का खतरा होता है। छोटा हैंडल होने से बॉटम हैंड यानी निचला हाथ मजबूत होता है, जिससे बैक फुट पर शॉट खेलने में ज्यादा आसानी होती है। इंग्लैंड में बैक फुट पर खेल कर रन ज्यादा बनते हैं। तो पीके, आप हालांकि बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन आप ऐसे शहर से आते हैं जहां के बल्ले सबसे ज्यादा मशहूर हैं, तो बल्लों के बारे में भी आपकी नॉलेज पर शक नहीं किया जा सकता। ये यो-यो टेस्ट क्या है, ये बल्ले का वजन कम कराने को लेकर के जो कवायद चल रही है, ये है क्या, समझाइए। मैं चाहूंगा डेमो करके दिखाएं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, उसमें उछाल ऊपर होता है, थोड़ा बॉल ऊपर लगता है बैट के। तो जैसे आप इंडियन कंडीशन है या पाकिस्तान कंडीशन है, श्रीलंकन कंडीशन है, उसमें बैट का जो ये हिस्सा होता है स्वीट पार्ट होता है, और इसको कमर बोलते हैं, बैट की कमर, ये थोड़ा नीचे रहती है। और या इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, उसमें एक इंच थोड़ा ऊपर हो जाता है, तो बॉल का जो बैट का जो स्वीट पार्ट है वो थोड़ा ऊपर होगा इधर ये साइड में, तो उसमें खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपका बैट आपने हल्का कर दिया तो आप अच्छे से शॉट नहीं खेल पाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग क्योंकि बैट्समैन प्रैक्टिस करके जाते हैं एक महीना डेढ़ महीना उसी बैट से, तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होने वाली। स्वीट स्पॉट बल्ले पर क्या होता है, और ये इसके 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 बदल जाने से कैसे, आपने कहा एक डेढ़ महीने की प्रैक्टिस से खिलाड़ी जो है वो अभ्यस्त हो जाएगा, क्योंकि सालों से तो वो जिस बल्ले से खेल रहा है उसका वजन कुछ और नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। जो बैट्समैन 10 साल से 8 साल से खेल रहा है उसको आदत पड़ जाती है, कहाँ उसको बॉल मीट करना है, कहाँ बॉल बल्ले में लगेगी उसको पता रहता है, कितनी पेस से आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में इंग्लैंड में बॉल पेस से आता है, तो उसका जो ये स्वीट पार्ट है ये इंडिया में यहाँ पे रहना चाहिए ये इंडियन कंडीशन के लिए, तो ये जो पार्ट है ये जो स्वीट पार्ट है ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो उसमें आप बैकफुट पे भी खेलेंगे तो बॉल ऊपर ही लगेगा, आप ड्राइव करेंगे तो क्योंकि पिच में बाउंस है तो उसी पार्ट पे लगेगा, तो ये इसीलिए होता है, चांसेस ज्यादा है अच्छे शॉट्स जाने। बिल्कुल, वेरी राइट। और कोई किसी तरह की प्रैक्टिस के बाद दिक्कत होने वाली नहीं, मुझे नहीं लगता। चलिए ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यो-यो टेस्ट आपने देख लिया, क्या यो-यो टेस्ट के बाद इंग्लैंड में टेस्ट विराट और उनकी टीम वनडे में 500 रन बनवा सकता है ये यो-यो टेस्ट? हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड ने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में 481 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाया है, और यकीन मानिए कि टीम इंडिया 500 का स्कोर भी बना सकती है, क्योंकि आपको बता दें इंग्लैंड में जून जुलाई और अगस्त के महीने में रन बनते नहीं है, रन बरसते हैं। हमारी अगली रिपोर्ट देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। इंग्लैंड में विराट का टारगेट 500, इंग्लैंड में टीम इंडिया का आसमानी हल्ला, रनों की अगस्त क्रांति। इंग्लैंड में पिछले 6 वनडे में 3617 रन बने हैं, यानी कि हर मैच में लगभग 602 रन।
हाल ही में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही पारी में 481 रन बना डाले और इसी दिन इंडिया ए के युवा बल्लेबाजों ने लिस्टर के खिलाफ 458 रन जोड़े। आपको बता दें कि टीम इंडिया में शिखर धवन, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, हार्दिक और धोनी भी ऑन द राइज शॉट्स ज्यादा खेलते हैं। यहां शिखर धवन ने 14 मैचों में 71.3 की शानदार औसत से 856 रन बनाए और 3 शतक लगा दिए। विराट ने 19 मैच में 52 के औसत से 682 रन जोड़े हैं। रोहित शर्मा के 12 मैचों में 53 का औसत है और रोहित इंग्लैंड में 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। धोनी ने 26 मैचों में 36 की औसत से 586 रन अपने नाम किए हैं। तो चलिए पीके, अब योयो टेस्ट के बाद बल्ला तो फॉर्म में आ गया, लेकिन बैट्समैन का क्या? हमारे खिलाड़ी जो हमारे बल्लेबाज हैं, क्या वो 500 का टारगेट तक जा सकते हैं, बना सकते हैं? इंग्लैंड में इस मौसम में कुछ नहीं होता है विकेटों में, ना ड्राई रहता है ना स्विंग होता है, फ्लैट विकेट होती है। और हमारे जैसे बैट्समैन रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, रैना भी पहुँच रहा है वहाँ पे, और जितने भी हमारे बैट्समैन हैं अटैकिंग बैट्समैन हैं, 500 तो नहीं लेकिन हाँ 360 370, जब 370 बनेंगे तो 500 भी बन सकते हैं, तो हमारे बैट्समैन बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने 300 के ऊपर चेस किया है, किसी टीम ने मेरे ख्याल में किया नहीं है, तो हमारे बैट्समैन तो जबरदस्त हैं। गेंदबाजों का क्या कहेंगे कि वो हमारे खिलाफ 481 ना बना दें? नो चांस, मैं नहीं मान सकता हमारे खिलाफ 481 बना दे या 450 भी बना दे, क्योंकि हमारे जैसे बॉलर है स्विंग भी कराएंगे। बना चुके हैं वो, इसलिए मैंने नहीं नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे भरोसा है अपने बॉलर्स पे, भुवनेश्वर है, बुमराह है, बहुत सारे बॉलर हैं, फास्ट बॉलर भी है, स्पिनर्स भी है, उनको आइडिया है यॉर्कर डालने का भी, गुड लेंथ एरिया में डालते हैं, नकल बॉल डालते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना काफ़ी कुछ होगा। हमारे बॉलर ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन होगा और बल्लेबाजी भी बेहतरीन होगी, क्योंकि अब तो यो टेस्ट में सभी ये जो कंडीशन है ये इंडियंस को बहुत भाएगी वहां पे। और अब दुनिया गोल है, वर्ल्ड कप फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर मैच के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। आपको बता दें इस वर्ल्ड कप में अब तक सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो का ही जादू चला है। मोरक्को के खिलाफ एक बार फिर रोनाल्डो ने गोल किया, टीम को जीत दिलाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और गोल्डन बूट की रेस में अव्वल बने रहे। मैच में और क्या क्या हुआ देखिए इस खास रिपोर्ट में। रोनाल्डो अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे ज्यादा गोल करने वाले यूरोपियन खिलाड़ी बने। रोनाल्डो ने अब तक 85 गोल किए हैं। रोनाल्डो ने फ्रेंच पुस्कास के 84 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ा। इस वर्ल्ड कप में रोनाल्डो अब तक 4 गोल कर चुके हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।